अस्सलाम वालेकुम अब्बी, क्या हाल चाल। आज ये गेम प्ले की एक और वीडियो, गेम प्ले की है मतलब गन गेम लाइब्रेरी की एक और वीडियो है। अब देखो, शुरू में तो टोमी वगैरह इसमें देते हैं, तो टोमी वगैरह से मार तो बंदा लेता है। वेक्टर से मेरे लिए मारना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें गोलियां 13 होती हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड गोलियाँ 19 होती हैं। एक्सटेंडेड दिया होता है इन्हें तो इतना कोई मसला होता नहीं है उससे भी मारने के लिए। टोमी वगैरह तो तुम्हें पता है, मतलब टोमी का डैमेज ठीक ही है क्लोज में, तो शुरू में इजीली बंदा मार सकता है टोमी से। शुरू में टोमी ये देखो, इसने बंदे ने डैमेज दे दिया मेरे टीम मेट ने, साथ मैंने किल कर दिया। मेरे टीम मेट है नंबर 1 मिस्टर जोकर। ये सारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं यार, बड़े अच्छे प्लेयर खेल रहे थे आज मेरे साथ। इन सारे अच्छे प्लेयर्स में मैं एक नूबड़ा सा फंस गया था बस। सारे अच्छे प्लेयर खेलते हैं। और ये देखो, यहाँ पे वेक्टर मिली, वेक्टर से किल किया लेकिन उसने पीछे से किल कर दिया। अब देखो, मैं इन दिनों वो वाले गेम पे P90 थी मेरे पास, वेक्टर नहीं थी, सॉरी, वेक्टर से मैंने मार दिया था उसको। क्योंकि वेक्टर कभी क्लोज में डैमेज ठीक है लेकिन गोलियां कम होती है ना, जिसकी वजह से वो बेकार है। अब इसमें मैं आखिरी बंदा, मैं तो नहीं मारता, मेरा टीममेट मारता है, क्योंकि मैंने कहा मेरे टीममेट बड़े कभी अच्छे अच्छे प्लेयर आए थे। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने इसी इस बंदे को मार दिया। तो तुम लोग बोल रहे हो कि मैं दूसरे क्यों नहीं गेम प्ले चला था, मतलब इन एंगल वगैरह लिविक वगैरह के, उसमें गड़बड़ ये हो जाती है मेरे साथ कि मैं अभी कर रहा हूँ रैंक पुश। ये बंदा मुझे पता, देखो पहले यहीं से लेटा हुआ, इसकी बात करते हैं पहले। ये बंदा मुझे पता था पहले से यहीं से लेटा हुआ है, तो ईजी मारूंगा इसको। अब मेरे पास एक क्या थी, ये देखो मैं यहाँ पे आके लेट गया, मगर इसने मुझे स्पॉट तो कर लिया था लेकिन मेरे टीममेट के पीछे पड़ गया। मेरे टीममेट के पीछे पड़ रहा और इसको मार सकता था मैं, इजी मार सकता था इसको, और इजी मारेंगे शायद इसको। हाँ, इसको मैं ही मारूंगा। ये नंबर 1 ने यहाँ से जंप कर दी, मेरे टीममेट ने, बस मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखो, मैं इस तरह से वो दूसरे गेम प्ले नहीं चुरा रहा ना, लिविक वगैरह के, लिविक रैंगल। हम लोग फिलहाल लिविक खेल रहे हैं क्योंकि रैंक पुश हम लोग लिविक में ही करते हैं, तो लिविक में मसला ये हो जाता है कि हमारा रैंक पुश उस तरह का होता नहीं है। मैं और मेरे टीम मेट जो मेरे साथ अभी खेल रहे हैं, यही मेरे साथ खेलते हैं रैंक पुश में भी। तो रैंक कुछ हमारा नानी मैच की तरह थोड़ी ना होता है भाई जान, ज़्यादा से ज़्यादा किल हो जाएंगे, अच्छी खासी गेम जाएगी, किल भी मिल जाएंगे। हमारा रैंक कुछ तो भागने में निकल जाता है बस, पूरे रैंक कुछ में जोन के अंदर ही भागते रहते हैं हम लोग। हमारा रैंक कुछ इसी तरह का होता है, उसके पूरे रैंक कुछ में जोन के अंदर भागते रहो, एंड में उतरो वहाँ से भी लूट करें, जोन पहले निकला होते हैं फिर नेक्स्ट जोन में जा रहे हो। अभी नेक्स्ट जोन में जाते नहीं है, पहले अगला जोन शुरू हो चुका होता है फिर उस जोन में निकलते रहो। हमारे रैंक कुछ में यही होता है, तो अब उसमें मैं तुम्हें क्या ही दिखाऊँ, उसमें दिखाने वाला कुछ नहीं होता। अगर तुमने मुझे जोन में भागते हुए देखना है तो बात बनती है, बस पूरे में हम लोग जोन के अंदर ही भागते रहेंगे। अगर जोन में भागते हुए देखना है तो मैं चुरा सकता हूँ रैंक पुश के, वरना मैं रैंक पुश के क्या चुराऊंगा, इसी वजह से मैं रैंक पुश चुरा रहा नहीं हूँ। बाकी अगर कोई सही बना किल वगैरह के साथ तो चुरा भी सकता हूँ मैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा गेम मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। यहाँ पे OBZ वगैरह मेरे पास आ गई थी, ये एंड वाली गन है, ये देखो इससे मैं मर गया, इसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था लेकिन पता नहीं मरा क्यों नहीं। फिर मैंने इसको मारने का फैसला किया क्योंकि ये मैंने अब ड्यूरेशन के घर के अंदर बैठे हुए भाई, आप ऐसे कैसे मार दोगे, ऐसे कैसे, मतलब थोड़ी सी गेम तो है ना, थोड़ी सी तो है ना, हाँ थोड़ी सी है मेरी गेम। फिर M249 वगैरह मुझे मिल गई थी, Kaan 98। मेरा ये बंदा मारना मुश्किल, अगर बॉडी मारूँ तो शायद बच भी सकता था। ये देखो, वैसे ही मैं फ्री फायर देने शुरू हो गया, मैंने कहा 100 गोलियाँ हैं कौन सी, मैंने 100 की 100 मारनी है बंदे को। इसी तरह ये देखो, इसने भी मुझे मार डाला यार, इसको भी काफ़ी डैमेज दिया था वैसे मैंने, लेकिन मार दिया इसने मेरे को। मेरी टीम मेट आखिरी बंदा मारता है, और बड़े अच्छे प्लेयर थे मेरे यार टीम मेट भी, वाह तारीफ करनी पड़ती है। देखो अब इधर आ गया M249 के साथ, यहाँ पे मैंने DP भी ली, मुझे पता था M249 है इसीलिए 100 गोलियाँ आराम से मारेंगे, इसमें डैमेज भी ठीक है M249 का। ये बस यहाँ पे आके बैठे रहा, ये देखो मेरे टीम मेट ने उसको थोड़ा सा डैमेज पहले दे दिया होगा, तुम लोगों को नजर आ गया होगा, और मैंने मार दिया। अब वापस यही होगा था, देखना वापस ये वो यही मारा, बेस्ती होगी मेरी तो, मुझे लगा मर जाएगा, बेस्ती होगी, चलो खैर है कुछ नहीं होता। अब फिर से मैं जाऊँगा वापस वहीं पर, TP भी लेता हूँ मेरे ख्याल से मैं Kaan 98 के साथ, क्योंकि मैंने कहा था TP भी लेके Kaan 98 से इजी बंदा मार सकता हूँ, वरना मैं ये यहाँ से मैं मारूंगा ना। ये देखो, उसने काफ़ी डैमेज दे दिया था मेरे टीममेट ने, तो एक Kaan 98 के बॉडी शॉट में भी इजीली वो बंदा मर गया था। फिर मैंने कहा यहाँ से आगे Mini 14 से बंदा मार दे, वो मेरे टीम में डैमेज देगा और मैं उसका किल चुरा लूंगा, क्योंकि Mini 14 से ही उस सामने से फाइट लेना मेरे से सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा इधर से मार, और मैंने कुछ इसी तरह किया। देखो यहाँ पे आया मैं, वो नीचे फाइट हो रही, उसको मैंने अवॉइड किया क्योंकि वो बंदा मर चुका था। मेरे टीम मेट ने डैमेज दिया, मैंने उसको डैमेज दिया और ये खत्म बंदा। अब मेरे पास आ गई थी AWM, मैंने कहा यहीं से भाई जाने आराम से पीक करेंगे और आएगा तो मार देंगे। मैंने जब नंबर 2 यहाँ से निकला तब मुझे पता चला कि वहाँ लो बंदा मर ही गया है, तो चलो खैर है। अभी फिर से वापस मैंने कहा यहीं पे AWM में यार मेरे पास इजी बंदे को मारेंगे, बस यहाँ से बैठ हुए लेकिन वो बंदा ही कोई नहीं आ रहा यहाँ से। फिर मैंने कहा ज़्यादा सब्र नहीं हुआ और मैं भाग पड़ा इस बंदे के साथ, नंबर 2 था मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो भागते हैं भागते हैं। मैंने कहा आराम से कोई बंदा मार दूंगा, आराम से तो नहीं, मुश्किल तो होगी लेकिन मार दूंगा कोई ना कोई। इसी तरह AWM से ही मारना था क्योंकि अब AWM ने दी हुई है तो AWM से मारेंगे, टेंशन की बात नहीं है। देखो इजी ओम इसी वजह से फिट होती है, Kaan 98 के बॉडी शॉट में कभी कभी बंदा बच जाता है लेकिन AWM नो चांस। ये देखो यहाँ पे अब हमारे पास आ गई थी ज़्यादातर, हमारे पास आज ज़्यादा बंदों के पास शॉट गन थी और मेरा टीम मेरे था उसके पास पिस्टल आई हुई थी, इसको मैंने 2 की मारी, ये क्या ठीक है। अब मेरे पास S12 की आ गई थी,
और मैं मर गया रेस्ट 12 के लेके भी कार 98 वाले बंदे से, क्योंकि कार 98 के उसने एयर की शॉट दी और मैं मर गया। तो ये देखो इधर हमने प्लान क्या किया था, प्लान क्या किया था कि मैं एक बंदे को डैमेज दूंगा और जो पेन है ना, अभी हमारे बंदे के पास पेन आएगा, 2 सेकंड रुको, पेन आ जाएगा अभी देखना। डेजर्ट ईगल से भी उस बंदे ने मार दिया और मेरे पास नेक्स्ट आने वाला था पिस्टल, मेरे पास अभी तक शॉट गन थी और ये हमारे पास पेन आ गया। मैंने कहा इसको मैं डैमेज दूंगा, तुम्हें एक पेन मारना मर जाएगा बस। ऐसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, था कुछ नहीं, मैंने तो पूरा किल लेने के चक्कर में किया था, लेकिन उसने पेन मार दिया, झूठ था कि मैं उसे किल देना चाह रहा था। चलो इसी तरह जीत जाते हैं हम लोग इजीली, और 13 किल तो मेरे भी थे, चलो काफ़ी करीब था, काफ़ी क्लोज था ना मैं भी, 13 किल थे मेरे, काफ़ी क्लोज था। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।